प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वियना पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रगान के साथ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विदेश की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जब ऑस्ट्रिया पीएम मोदी पहुंचे, सबसे पहले राष्ट्रगान वहां पर इस वक्त आपको हम सुना रहे थे जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है। रूस इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और अब यहां से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं राष्ट्रपति बेलेन और चांसलर नेहमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया का ये एक दिवसीय दौरा है। मॉस्को से वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का कैसे यहां पर शानदार स्वागत हुआ वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये दौरा कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी गई थी और उसके बाद अब 40 साल से भी ज्यादा समय के बाद ये ऐसा पहला मौका है जब कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया की धरती पर पहुंचा है। और कैसे स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर हुआ वो आपने देखा। विदेश की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो आपने देखा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आगे बढ़ते हुए, दरअसल ये दौरा खास भी है। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। इसको लेकर उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, जितने भी जो भारतीय प्रवासी हैं जो वहां रहते हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में ये जो यात्रा है, ये जो साझेदारी है, उसके लिए भी एक मील का पत्थर इस यात्रा को माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात का जिक्र भी किया कि भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और ज्यादा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया क्योंकि एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में थे वो तस्वीरें भी आपने देखी थी, हर एक भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली वो तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब आज की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया राष्ट्रगान की धुन के साथ, जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ वंदे मातरम की गूंज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत हुआ। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के जो दोस्ती है, जो भारत और ऑस्ट्रिया की साझेदारी है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। दो दिन का दौरा रूस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अब एक दिवसीय ऑस्ट्रिया का दौरा है। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे एयरपोर्ट पर, सबसे पहले विदेश मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति उनके साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, वियना का दौरा, कई मायनों में खास है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राष्ट्रगान की धुन के साथ किया गया। जब विदेश की धरती पर, वियना की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो राष्ट्रगान की गूंज वियना में भी सुनाई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर
क्या कुछ और खास जानकारी इससे जुड़ी हुई वो आप जान लीजिए। द्विपक्षीय व्यापार पर जोर इस यात्रा में दिया जाएगा। क्यों ये दौरा इतना अहम माना जा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार जिस पर जोर भी दिया जाएगा, 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $2.93 बिलियन और इस दौरे को इसलिए भी कहा जा रहा है खास क्योंकि इस दौरे में द्विपक्षीय व्यापार पर और जोर दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है और अब मुलाकातों का, मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उनके 75 साल पूरा हो गए हैं और इसका जश्न मनाया जा रहा है। दोनों देशों के जो पुराने रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद मजबूत होंगे। दोनों के बीच में और आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस होगा। 41 साल के बाद ये ऐसा मौका है जब कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया पहुंचा है, इसलिए भी ये दौरा बहुत ज्यादा खास हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। जब ऑस्ट्रिया प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, भारतवंशी लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनका हालचाल जाना और पीएम मोदी ने भारतवंशी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया था। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं जब उनका भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई जो कलाकार हैं, इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जब उनका स्वागत हो रहा था, पहले उनकी तरफ से वंदे मातरम गाया गया। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासियों का, भारतीय प्रवासियों का अभिनंदन किया और अब यहां पर राष्ट्रगान की गूंज के साथ, राष्ट्रगान की धुन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय व्यापार बैठक भी करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे वहां पर स्वागत किया गया, विदेश की जमीन पर जलवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आपको हमने दिखाया। 41 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है वो आपको हमने तस्वीरें दिखाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले रूस के दौरे पर पहुंचे थे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पुतिन से हुई और इस मुलाकात की कई बातें बनी। भारत और रूस की दोस्ती में इन दोनों नेताओं ने कई नए आयाम भी जोड़े हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।